नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा चर्चित अगर कोई बिल्डिंग है इस वक्त, वो है समिट बिल्डिंग। ये बिल्डिंग 15 मंजिल की है और इस बिल्डिंग में 13 बार है। इस बार में लगातार शराब के सेवन के बीच अराजकता का भी माहौल जबरदस्त तरीके से देखने को मिल जाता है। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करते हुए अराजकता फैलाने पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन आबकारी विभाग कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति करता हुआ ही नजर आता है। कहने को तो उस बिल्डिंग में 13 बार है, जबकि उस बिल्डिंग में कुछ बार ऐसे भी है जो टॉप फ्लोर यानी कि छत को भी बार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इस छत पर भी देर रात तक शराब पार्टी होती रहती है और शराब पार्टी के दौरान कैसा माहौल होता है वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नशे में धुत युवक युवतियां, कुछ तो नाबालिग भी, शोर शराबा इतना कि बर्दाश्त करना मुश्किल। खुलेआम गाली गलौज, अश्लील फप्तियां, मारपीट भी। अराजकता का यह माहौल है चर्चित समिट बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग शहर का ऐसा ठिकाना है जहां बवाल होना आम बात है। आए दिन यहां के वीडियो आते हैं, मारपीट वाले वीडियो, बदजुबानी बदसुलूकी वाले वीडियो। वीडियो चर्चा में आते हैं तो सख्ती होती है, कार्रवाई होती है और फिर सब कुछ उसी ढर्रे पर चलने लगता है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में बना समिट बिल्डिंग लगातार चर्चाओं के बीच भी बना रहता है, क्योंकि इस समिट बिल्डिंग में जिस तरह से बार बने हुए हैं वहां पर लोग आते हैं और यहाँ पर अराजकता भी फैलती है, कार्रवाइयाँ होती हैं। लेकिन आबकारी विभाग की बात की जाए तो आबकारी विभाग भी लगातार इस मामले को लेकर संज्ञान लेने का दावा करता है। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे समिट बिल्डिंग की। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये समिट बिल्डिंग है, 15 महले की ये जो बिल्डिंग है, इसमें जो बियर बार के है वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, शाम को लेट नाइट तक पार्टियां होती हैं, उन पार्टियों के बीच जो अराजकता होती है वो भी फैलती है, पुलिस फोर्स भी लगाई जाती है, कार्रवाइयां भी होती हैं। लेकिन अगर हम इस मामले में आबकारी विभाग की बात करें तो आबकारी विभाग लगातार इस मामले में लापरवाही दिखाता है। अब लापरवाहियों के बीच अगर एक बड़ी बात कही जाए तो वो ये है कि जिस तरह से यहाँ पर जो लाइसेंस जारी किए गए हैं, उन लाइसेंस के बीच जो अगर हम टॉप फ्लोर की बात करेंगे, आप टॉप फ्लोर का हिस्सा जो देख रहे हैं, इस टॉप फ्लोर पर छत पर 3 बार इस्तेमाल होते हैं, यानी कि उनको अगर लाइसेंस की बात की जाए तो लाइसेंस तो फिलहाल जो एरिया है वो एरिया नीचे का है। कहते हैं शराब जितनी पुरानी हो नशे का खुमार उतना ही चढ़ता है, लेकिन लखनऊ शहर में अय्याशियों का अड्डा बनी ये बिल्डिंग साल 2015 में बनी, लेकिन जितनी ये बिल्डिंग चर्चाओं में रहती है उतनी शायद सूबे के सिरमौर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी चर्चाओं में नहीं रहते। ये बिल्डिंग 15 मंजिल की है, इस बिल्डिंग में 13 बार है। इस बार में लगातार शराब के सेवन के बीच अराजकता का माहौल भी देखने को मिलता है। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करते हुए अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई करती है, लेकिन आबकारी विभाग कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति करती नजर आती है। कहने को तो इस बिल्डिंग में 13 बार है, जबकि इस बिल्डिंग में कुछ बार ऐसे भी है जो टॉप फ्लोर यानी कि छत को भी बार में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही इस छत पर भी देर रात तक शराब पार्टी चलती रहती है। आपको बता दें, आबकारी विभाग से बार का लाइसेंस लेने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है रिटोरेंट और बार का, जबकि दूसरा होता है बार का। लेकिन इस बिल्डिंग में जितने भी लाइसेंस जारी हैं वो बार के जारी हैं, लेकिन छत पर अनप्लग, फायरफ्लाई और डिस्टिलरी बार है, जिसके पास लाइसेंस निचले मंजिल के हैं। लेकिन इस बार की तरफ से निचले हिस्से के साथ छत का हिस्सा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले पर जब आबकारी अधिकारियों से बात करनी चाही गई तो उनकी ओर से कहा गया कि उनके पास लाइसेंस है, लेकिन कैमरे पर बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। आबकारी विभाग में लगातार बैठकें होती हैं, मीटिंग होती है, तरह तरह के निर्देश जारी होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए शराब परोसने वाले बारों की तो बारों पर लगातार लापरवाहियां नजर आती हैं। कई तस्वीरें ये सामने आती हैं कि वहाँ पर नाबालिगों को शराब परोसी जा रही, और इस मामले में ना ही जो क्षेत्रीय सेक्टर इंस्पेक्टर होते हैं वो किसी तरह की कार्रवाई करते हैं, और ना ही जो लखनऊ के जिम्मेदार डीओ हैं उनके तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है। इन सभी मामलों की जानकारी लेने के लिए लगातार जिस तरह से जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा था, यहाँ पर हम पहुँचे जो आबकारी आयुक्त यानी कि जो कमिश्नर हैं उनके कार्यालय पर, तो फिलहाल कमिश्नर भी इस मामले में अभी तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दे सके हैं कि आखिर जो मानक के विपरीत जो लाइसेंसों के आधार पर
लोगों के द्वारा शराब परोसी जा रही है, अराजकता वहां पर फैल रही है, देर रात तक पार्टियां हो रही हैं, लेकिन इन सभी मामलों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। बात की जाए समिट को लेकर के या फिर प्लासियों को लेकर के या फिर साइबर हाइट को लेकर के, ऐसे कई बार हैं जिन पर अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। जबकि अगर पूर्व की बात करें साल 2021 की, तो उस दौरान भी अगर जिस तरह से लापरवाहियां सामने आई थी, नोटिसें चस्पा की गई थी, लेकिन समय बीतता गया, नोटिस जो चस्पा हुई वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई और फिर से वही ढुलमुल रवैया अपनाते हुए जो बार संचालक थे वो उसी रवैये पर आ गए और फिर से देर रात तक पार्टियां शुरू हुई और वहां पर वाद विवाद भी शुरू होता हुआ धीरे धीरे फिर से उसी होड़ में चलता चला जा रहा है। और जिसके बाद लगातार शिकायतें आती हैं, पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए लाइन ऑर्डर मेंटेन करती रहती, लेकिन अगर बात की जाए आबकारी विभाग की तो वो इस मामले में किसी तरह की कोई सख्ती नहीं दिखा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। गगनचुंबी लखनऊ की वो इमारत जिसे समिट कहते हैं, जहां पर युवाओं को नशे का आदि बनाया जाता है, या यूं कहे कि नाबालिगों को बिना उनका आधार कार्ड देखे, बिना उनकी एज को वेरीफाई किए उनको नशा दिया जाता है, नशा परोसा जाता है खुलेआम। इस पूरे मामले पर कितनी बार खबर चलाई गई, कितनी बार तस्वीरें सामने आई, लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदारान अधिकारी है वो महज समिट बिल्डिंग पहुंच तो जाते हैं, बस खाना पूर्ति करके वापस आ जाते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि लगातार तस्वीरें सामने आने के बाद भी ये जो हीला हवाली का रवैया है ये कब तक देखने को मिलेगा, और अब तक जो नाबालिग युवा है वो यहाँ पर नशे के आदि बन जाएंगे, नशे का शिकार करेंगे और नशे का सेवन करेंगे, और आखिर उन पर एक्शन कब लिया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।